तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सुजित्रा, आप की तरह एक कॉमन सेंस स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की रियल पोजीशन के बारे में। दोस्तों वैसे तो सबको पता होता है कि ये जो एफ ब्लॉक है वो तो नीचे होता है, वैसे बात आपकी सही भी है, पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हमको जो पता है वो है प्लेन पेपर के ऊपर बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल। बट जब उसको पहले बनाया गया था तब वो ऐसे नहीं था, तब वो 3D मॉडल के हिसाब से था। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कि वो पहले कैसा हुआ होगा, वो हम लोग जरा एक बार देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, मैंने दिखाने की कोशिश की है 3D में, बट फिर भी आपको अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा, तो और थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए हकीकत में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन से, ठीक है, 90 डिग्री पे होती है जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उससे। लेकिन हम ऐसे तो बना नहीं सकते, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हर बच्चे को जो बुक जाएगी उसमें जब भी पीरियोडिक टेबल बना होगा तो उस पर अलग से ऐसा एफ ब्लॉक एलिमेंट चिपका के भेज दे, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये लोगों ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि रोज का मगजमारी नहीं मांगता है बिडू, अपने को नीचे रख देने का एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई भी पूछेगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किधर है तो आंसर इज नीचे है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि तो रियल पोजीशन कौन सी है, ठीक है, तो इसमें मैं बता दूँ, अगर आप 3D मॉडल के हिसाब से जाओगे तो हकीकत में पहले तो उसे परपेंडिकुलर ही बनाया गया था, तो रियल पोजीशन हकीकत में वही है। बट एग्ज़ाम में आप वो नहीं लिख सकते हो, आपको एग्ज़ाम में क्या फॉलो करना है वो अब देखिए, जो कि है फ्रॉम, जो कि आपको पहले ही मालूम है, ठीक है, बॉटम में होता है, बस वही आंसर है। खाली मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया, उत्सुकता मतलब किसी को हो सकती है, क्या पता तो देख ले, क्लिक मार के इधर तक पहुँचेगा तो उसे नॉलेज थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बस वैसे ही है।